ऐसा लग रहा है ना स्कूल गया है कुछ। तो भाई बिग बॉस का एपिसोड नंबर 3 आ चुका है और टेलीकास्ट भी हो चुका है। और इस एपिसोड में भाई एक बात तो कंफर्म पता चल चुकी है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। सबका इस घर के अंदर वही टॉक चल रहा है, बिल्कुल सही इंद्रशन सबके दिमाग में वही बात चल रही है। और एक और बात भाई, प्रतीक इतना ज़्यादा मतलब बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा है, इतनी बच्चों वाली बातें कर रहा है कि भाई जो घर के अंदर जो समझा रहा है उसका तो दिमाग ख़राब हो, यहाँ तक कि मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया कि भाई इस बात को नहीं समझ रहा। पहले इस बात को छोड़ते पहले मैं इस पूरे जो आज का एपिसोड है उसके 3 बड़े मुद्दे उठाता हूँ। पहला मुद्दा था कि जो प्रतीक का और जो मीशा के बीच में जो चल रहा था, मतलब जो लड़ाई वड़ाई चल रही है उसके बारे में बात होगी। दूसरा मुद्दा जय भानुशाली और जो प्रतीक के बीच में लड़ाई हुई वो। और तीसरा मुद्दा अफसाना खान की और विधि की जो थोड़ी बहुत बहस हुई, लड़ाई हुई वो। तो पहली बात होती है भाई महिषा और प्रतीक के बीच में क्या चल रहा है। महिषा और प्रतीक के बीच में ओवरऑल यही चल रहा है सेम जैसा बिग बॉस OTT में प्रतीक दिव्या के साथ कर रहा था, बिल्कुल सेम डिट्टो, बल्कि उससे भी बदतर अब महिषा के साथ कर रहा है। क्योंकि दिव्या तो भाई बोल देती चढ़ जाती थी, प्रतीक को बिल्कुल मुंह पर जवाब देती थी जिससे प्रतीक ज़्यादा बोलता नहीं था। लेकिन महिषा ऐसी नहीं है, महिषा काफ़ी शरीफ है, वो छोटी छोटी बातों पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तो वो इतना ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्रतीक पर चढ़ रही है, भड़क रही है या फिर उसको चुप करवा रही है, ऐसा नहीं है। वो बस जो हो रहा है उसको एक बार मतलब चल कोई नहीं हो रहा है, छोड़ो इग्नोर करो, ऐसी लड़की है वो बात समझ में आ गई थी। जब एपिसोड शुरू हुआ तो उसमें ये बात हो रही कि खाना कौन बनाएगा, खाने की ड्यूटी कौन लेगा, जो प्रतीक निशांत शमिता के अंडर था वो लोग ये डिसाइड करते थे खाने की ड्यूटी कौन बनेगा। तो इसी में ये बात होती है कि उन्होंने तेजस्वी को और शायद करण को ये ड्यूटी दी थी कि खाना बनाने की। एक्चुअल में वो बाद में कोई याद नहीं किसने की, दिखाया भी नहीं गया किसने खाना बनाया। तो मेन जो था वो तेजस्वी और मेघा से किसी और को ड्यूटी दी थी खाना बनाने की। तो उसके बाद प्रतीक बार बार इंस्टिगेट कर रहा होता है कि निशांत को कि निशांत तू वो जाके तेजस्वी बनाओ, निशांत तू वो जाके तेजस्वी खाना बनाओ। लेकिन तब उस समय विधि खाना चॉपिंग कर रही होती है, तो इस बात से विधि काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है कि यार सॉरी महिषा काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है कि यार मैं चॉपिंग कर रही हूँ तभी प्रतीक बाबा इंस्टिगेट कर रहा है निशांत को कि जा यार तू खाना बना, तू जाके तेजस्वी के साथ खाना बना। तो इसके जो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है, वो जाके रोने लग जाती है। फिर जिसको क्या कहते हैं विशाल ने काफ़ी अच्छी तरीके से उन्हें शांत करवाया, उन्हें चुप करवाया और ऐसी ऐसी बातें कि यार बंदा नॉर्मली कोई भी हो वो आसानी से शांत हो जाएगा, जो अच्छी बात लगी मुझे। इसके बाद बात आई कि जब क्या नाम है उसका, हाँ महिषा जब बाथरूम में चेंज कर रही थी तो इनके और प्रतीक के बीच थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाती है। और कहासुनी ये होती है कि भाई महिषा बोलती है कि यहाँ पे मता मैं चेंज कर रही हूँ, ठीक है तो अपना वहीं पर ही जाए। क्योंकि घर के अंदर जो इनका जो तीनों का जो वो दे रखा है मेन हाउस का जो बाथरूम वो यूज़ नहीं कर सकते जंगल वाले, तो उसने ये बोला कि भाई आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते तो आप अपना वहाँ पे जाके कर लीजिए, हमें दंड मिलेगा। प्रतीक ने एक बार ये बात बोली, ठीक है, महिषा ने बोला ओके, बात कंप्लीट भी नहीं हुई प्रतीक की, उसने ओके बोल के आके उसने अपने कपड़े चेंज करने लग गई, मतलब जो नीचे का जो भी पहनना था वो पहनने लगी। तो उसने क्या कहते हैं वहाँ उसको प्रतीक को ये बता दें कि हाँ ठीक है मैं जाके चेंज कर रही हूँ, तब एक तरीके से ओके बोल के बात कंप्लीट हो गई कि मैं जाके चेंज कर रही हूँ, वहाँ पे कोई नहीं मैं नहीं जा रही। लेकिन तब भी प्रतीक आते हैं महिषा के पास कि मतलब बात करते करते और आते भी बोलते हैं कि मतलब कोई बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो। मतलब पहले तो ये बोल रहे सीधा कि आप यूज़ नहीं कर सकते वरना आपको दंड मिलेगा। और फिर जब महिषा जाके वहाँ पे चेंज करने लग जाती है तो प्रतीक बोलता है कि कोई नहीं, बात करते करते कोई नहीं आप यूज़ कर लो, कोई नहीं जो होगा देखा जाएगा वो आपकी मर्ज़ी है, ऐसा ऐसा करते करते आगे आ जाते हैं। जबकि महिषा वहाँ पर चेंज कर रही है, इस बारे में प्रतीक को भी मैं तो ये कहूँगा कि भाई मालूम था उसे, लेकिन तब भी प्रतीक ने इग्नोर किया, फिर वो आगे आया। फिर महिषा ने फिर से बोला कि देख मैं चेंज कर रही हूँ यहाँ पे क्यों आ रहा है, ठीक है उस बात को वहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए, प्रतीक को दोबारा नहीं आना चाहिए। चलो मान भी लिया कि प्रतीक को नहीं पता था कि महिषा चेंज कर रही है कपड़े, बात वहीं पर ही ख़त्म करके प्रतीक को दोबारा वहाँ पर नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रतीक ने एक और दोबारा वही किया, वो बात करते 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 फ्लो में आ गया और महिषा चेंज कर रही थी, लेकिन तब भी प्रतीक आता गया। और इस पर महिषा काफ़ी ज़्यादा मतलब भड़क गई कि भाई ये आ क्यों रहा है, क्या दिक्कत है इसकी। एंड नॉर्मली ये बात भाई हम सब जानते हैं कि लड़कियों को ये थोड़ी बहुत होता है, उनके मतलब नेचर में होता है कि अगर वो चेंज करे कोई लड़का उनके पास आता तो वो ऐसी करती हैं, वो एकदम से भड़क जाती हैं, फटती हैं, नॉर्मल सी बात है ये।
इसके बाद भाई चलो उसने बोल दिया गलती, चलो दोबारा मानते कि प्रतीक ने गलती करी, प्रतीक गलती से चला गया, ठीक है बात खत्म। उसके बाद प्रतीक दोबारा बार बार क्या कहते हैं इरिटेट कर रहा महेश को कि आप वहाँ पे चेंज नहीं कर सकती, आपने तो पहले भी पिछले के शो में भी शोज में भी ऐसे किए, आप तो वहाँ पे आप करती थी कैमरा के सामने, आप ये है वो, मतलब ऐसे कर करके बार बार बात को एक ही बात को बार बार ला रहा है कि आप बाथरूम में नहीं यूज़ कर सकते, आप बाथरूम यूज़ नहीं कर सकते वरना आपको दंड मिलेगा, आपको नहीं तो मुझे दंड मिलेगा। इस बात को बार 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 बार, मतलब अगर 5 मिनट की क्लिप थी तो 5 मिनट कम से कम प्रतीक ने 10 बार बोल दिया होगा, जिस वजह से मायशा इरिटेट हो गई और फिर वो चिल्ला गई कि यार तू ऐसे क्यों बोल रहा है, मैंने समझ लिया ना ये वो खाना करके प्रतीक पे चिल्ला के वो निकल गई, बात हो गई। इसके बाद यही टॉपिक दोबारा हुआ जब प्रतीक बाहर आया, करण था और जय था और मेरे ख्याल से ईशान था, ये तीनों बाहर बैठे थे। तो बाहर आके उनसे बात बोलता है कि यार ऐसे वो चिल्ला रही है, हम लोग वहाँ पे वो बाथरूम में थे, मैंने उसको मना कर दिया, बस बात खत्म। तो ये पहली बात तो कि भाई प्रतीक ने आधी बात बताई कि उसने बाथरूम के लिए मना किया तो मायशा ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जो गलत बात थी, प्रतीक को पूरी बात बतानी चाहिए। उसके बाद जब सबके सब घर वाले उसको समझा रहे हैं कि यार ये तेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, हम मान रहे हैं, लेकिन तू वहाँ पे गया क्यों, अगर उसने एक बार बोल दिया चल कोई नहीं तू चला गया, लेकिन ये बात तू भी तो समझ कि वहाँ पे जाना तेरे लिए मतलब कितना अजीब सा लगा होगा मायशा को। ये बात बार बार सभी ने समझाई, अलग अलग तरीके से समझाई, लेकिन शमिता और अफसाना दोनों प्रतीक की साइड लेके बोल रहे कि यार इसकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, डिसेंट लड़का ये ऐसा है वैसा है। अरे यार वो कैसा भी लड़का हो, शरीफ है भाई, मुझे पता है उसको भाई इतना शरीफ है कि भाई कुछ कहने नहीं, लेकिन यार अगर किसी कोई लड़की चेंज कर रही है, अगर आप गलती से भी उसके पास जाते हो, उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, तो सॉरी बोलने में क्या जा रहा है। सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि प्रतीक की बहन है वहाँ पर चेंज कर रही है, ठीक है, और गलती से प्रतीक बात करते करते वो अपनी बहन के पास चला गया, उसकी बहन भी सेम इसी तरीके से रिएक्ट करेगी जिस तरीके से मायशा ने किया था, और तब क्या कहेगा प्रतीक कि मेरी इंटेंशन वैसी नहीं थी। सिंपल सी बात है यार, लड़की की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि लड़की के ऊपर क्या होगा, लड़की का उस समय क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, लड़की ने जो बोला वो सही था गलत था वो भी तो देखो। प्रतीक सिर्फ एक ही बात पर देखे जा रहा है कि यार मेरे ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, मेरे पॉइंट ऑफ मतलब मेरी इंटेंशन ऐसी थी नहीं, मैं डिसेंट सा लड़का, मतलब सब कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, उसको लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ देखना ही नहीं है कि आखिर लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू सही है या नहीं, जो प्रतीक की सबसे गलत बात थी, बहुत गलत बात थी। मैं इस बात के लिए प्रतीक का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि मैंने OTT में उसकी जो भी बात थी सही बातों में सपोर्ट किया था, लेकिन ये बात प्रतीक की बहुत ज़्यादा गलत थी, और इस बात को प्रतीक को समझना चाहिए था, उसे मायशा को सॉरी भी बोलना चाहिए था, जो वो भले गलती से हुआ लेकिन प्रतीक को सॉरी बोलना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मल सी बात है यार, कोई भी लड़की अनकम्फर्टेबल हो जाती है, कोई भी लड़की हो, तो इसके लिए प्रतीक को सॉरी बोलना चाहिए था, उसको बात समझनी चाहिए थी कि भाई आखिर बात किस परस्पेक्टिव में हो रही है, किसके एंगल से व्यू हो रहा है, किसके एंगल से बात हो रही है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, इस बात को प्रतीक को समझना चाहिए था। जो सीरियसली मुझे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मैं डिसअपॉइंट हुआ प्रतीक की हरकत से, क्योंकि OTT में प्रतीक का बिहेवियर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जिस तरीके से अब बिग बॉस 15 में नज़र आ रहा है, तो भाई बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था ये। इसके बाद में दोबारा डिसअपॉइंट हुआ वो ये कि बाथरूम में कोई सामान अगर कहीं रखा जाता है, बाई चांस अगर बोल दे कि ये सिंक है, यहाँ पर अगर कोई बंदा आकर अपना कॉफ़ी का कप रख रहा है, ठीक है, कॉफ़ी यहाँ पे ऐसे पी रहा है, वहाँ साइड में हाथ पैर धो जो भी कुछ कर रहा है वो कर रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, काम कर रहा है, तो कॉफ़ी का मग बिल्कुल क्लियर है तभी वो उसमें कॉफ़ी पी रहा है। तो एक बात मुझे ये बताओ कि अगर सिंक के पास वो अंदर कॉफ़ी रख के पी रहा है, वो उसकी कॉफ़ी है, उसकी मर्जी, वहाँ पे रख रहा है, नहाए धोए उसके ऊपर, अरे भाई वो कुछ भी करे भाई, तेरी क्या दिक्कत है ये बता। अनहाइजीनिक हो रहा है, तुम वहाँ पे आ रहे हो, देख रहे हो कि वो बंदा वहाँ पे नहीं, लेकिन उसका कॉफ़ी का मग वहाँ पे पड़ा हुआ है, वो अनहाइजीनिक है। तुम बोलो भाई यहाँ पे कॉफ़ी का मग रखा है, इसको हटाओ, अनहाइजीनिक लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है, इसको हटा दो यहाँ से, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बात वैलिड है। लेकिन प्रतीक ने ऐसी कोई बात नहीं कि प्रतीक बोला कि अच्छा नहीं लग रहा है अनहाइजीनिक, अरे यार कॉफ़ी का मग वहाँ पर रखा है, जय वहीं पर ही बैठा हुआ है, वहीं पर ही वो मतलब बातें कर रहा है उमर से, और क्या कहते हैं वो विशाल से बात कर रहा है, तो इसमें अनहाइजीनिक वाली बात क्या है। अनहाइजीनिक वाली बात ये होती है कि गंदे सॉक्स वहाँ पर किसने रख दिए,
स्मेल आ रही है उससे, अनहाइजीनिक है। किसी ने अपने शॉर्ट्स रख दिए, स्मेल आ रही है, अनहाइजीनिक है। वो बातें अनहाइजीनिक हो रही है। साफ मग जिसमें बंदा कॉफ़ी पी रहा है वो अनहाइजीनिक किस वे में हो सकता है? बस मुझे इस बात का कोई भी जवाब देकर बता दे, मैं मान जाऊँगा कि हाँ प्रतीक सही था, मैं गलत हूँ। इसके बाद इस बात को विशाल कोटियान ने भी समझाया, करण कुंद्रा ने भी समझाया, जय के साथ भी इसी बात पर बार बार मतलब बहस हुई कि यार जब मेरा वहाँ पे सामान रखा है तुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुझे अनहाइजीनिक लग रहा है, लेकिन वो अनहाइजीनिक है ही नहीं, तो तुझे अनहाइजीनिक क्यों लग रहा है? सीधी सी बात, मतलब इसका कोई मतलब तुक नहीं बनता यार कि मतलब वहाँ पर अगर साफ कॉफ़ी का मग रखा है, वहाँ पर सिपर रखा है साफ, तो वो अनहाइजीनिक किस वे में हो सकता है? ये सीरियसली प्रतीक की जो थी वो वाली सेम वो कंडीशन है कि मतलब मुझे लड़ाई करनी है और लड़ाई के थ्रू मुझे किसी भी तरीके से फुटेज देनी है किसी भी तरीके से। इसके बाद हुई विधि की लड़ाई अफसाना खान से। ये लड़ाई बिल्कुल कोई मतलब इसका कोई मुद्दा नहीं था, ये बेफिजूल की लड़ाई थी। ये बेफिजूल की लड़ाई सिर्फ सिर्फ अफसाना ने जानबूझ कर की तो उसे भी थोड़ी बहुत फुटेज मिले। पूरे एपिसोड में उसको बिल्कुल फुटेज नहीं मिली, इसलिए उसने यहाँ पे काम करा कि भाई फुटेज मिले तो मैं बिड़ जाती हूँ। बात यह थी कि टास्क ये था कि जितने भी प्राणी थे जंगल के उन लोगों को अपना सारा सामान बिग बॉस को सौंपना था, सिर्फ असेंशियल को छोड़ कर। असेंशियल मतलब जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत की थी, जैसे आपके अंडरगारमेंट्स हो गए, अगर आपकी कोई मेडिसिन है वो हो गई, आपकी सैनिटरी का कोई सामान है वो हो गया, तो ये सब चीज़ें थी कि मतलब ये आपके असेंशियल्स में आती है। अब बात ये हो रही कि भाई एसेंशियल्स में क्या ट्रिमर आता है? एसेंशियल्स में जो शेविंग का जो फोम होता है वो आता है? ये सब बातें हो रही थी। तो अफसाना कैमरे पे आके बोलती है कि भाई बिग बॉस ने अगर बोला है कि एसेंशियल हटा दो तो हटा दो, और जो तुम्हें लग रहा है कि एसेंशियल अगर मतलब जो सामान बिग बॉस ने दिया तो फिर तो एसेंशियल है, उसको क्यों हटा रहे हो? तो ये बात मेरे दिमाग में पिंच कर गई कि मेरे क्या वो विधि के भी दिमाग में पिंच करी, क्या ये बोल क्या रही है? सारा मैटर लड़कों का है, लड़कों के सामान की बात हो रही है, और ये अफसाना बीच में क्यों कूद रही है कि भाई ये चीज़ है? शेविंग फोम लड़के यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर लड़कों से उनका वो लिया जा रहा ट्रिमर लिया जा रहा है, ठीक है, उनकी शेविंग का जो बियर्ड को वो शेव करने वाला तो रेजर लिया जा रहा है, ठीक है, तो भाई फिर वो फोम का क्या कर रहे हैं? फोम की रखी हुई है, फोम भी हटाओ, सीधा सा पॉइंट था। और इसी पॉइंट पे क्या कहते हैं विधि अफसाना को बोल रही कि यार तुम क्यों बोल रहे हो, वो उनकी बातें उनको करने दो, तुम क्यों बीच में? तो इसमें अफसाना भड़क गई कि तू कैसे बोल सकती है, तू कौन है, तू मुझे क्या बताएगी, क्या है वो करने लगी। मतलब विधि उससे दब रही थी तो अफसाना उसे और दबा रही थी, लेकिन जैसे ही वहाँ पर विशाल आया, विशाल ने आवाज़ चिल्लाई और बोला कि मार के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा, अफसाना की आवाज़ इतनी सी हो गई थी, बिल्कुल बिल्कुल चेहरा उतर गया कि भाई अब क्या बोलूँ मैं, क्योंकि अफसाना के अगेंस्ट में विशाल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, उसके सामने अफसाना कुछ भी नहीं कर सकती थी, और इसके साथ साथ अफसाना के अगेंस्ट पूरा घर हो गया था, कोई अफसाना के फेवर में नहीं था कोई भी। और विशाल ने साफ बोले कोई आएगा नहीं, पीछे मार के दिखा तो इसे, साफ बोला प्रतीक आता, प्रतीक को हटाया, शमिता है, शमिता को हटाया, निशांत को, निशांत है, निशांत को भी हटा दिया। यानी कि आप समझ दो कि विशाल का पॉइंट ऑफ व्यू, विशाल का जो पॉइंट है वो कितना खतरनाक है। अगर वो लड़ने पे आएगा तो वो इस तरीके से इतनी गंदी तरीके से लड़ेगा कि सामने वाला बंदा कुछ कर भी नहीं पाएगा और विशाल अपना पॉइंट प्रूव करके निकल भी जाएगा। ये बात विशाल की बहुत अच्छी लगी और ये विशाल को आगे बहुत बहुत हेल्प करने वाली है। इसके बाद अफसाना एक तरीके से ना किसी बंदे की ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रही है। हाँ ये लाइन सुनी सुनाई लग रही होगी, कॉपीड है, ठीक है, कॉपीड ना भेजना भाई जिसकी भी कर रहा हूँ। तो वो किसी न किसी कंडीशन की ट्रेन पकड़ के आगे चलने की कोशिश कर रही है। पहले जब प्रतीक और विधि का मायशा का जब लफड़ा हुआ, उसका सीन हुआ, तो भाई उसने अफसाना ने प्रतीक की साइड लेके प्रतीक का फेवर किया कि हाँ ये जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है, ये डिसेंट है, ये है वो है, फलाना ढिंकाना करके उसकी ट्रेन पकड़ने की कोशिश की। बात नहीं बनी, उसको किसी ने मतलब थोड़ा सा भी उसको भाव नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, वहाँ से हटी। फिर उसने विधि से लड़ाई की कि विधि से थोड़ी बहुत लड़ाई करूँगा, थोड़ा बहुत फुटेज मिलेगा तो उसकी ट्रेन पकड़ के मैं चल दूँगी। तो ये चीज़ें अफसाना की, ये लग रहा है कि अफसाना का खुद का गेम कुछ नहीं होने वाला, वो किसी न किसी कंटेस्टेंट की हेल्प लेके आगे चलेगी और वो इसी सहारे आगे बढ़ के पूरे चार पाँच छः जितने भी हफ्ते उन सबको पार करने की सोच रही है, जो
नहीं होने वाला मैडम जी, नहीं होगा, टेंशन ना लो, इस हिसाब से आपके हाव भाव चल रहे हैं उस हिसाब से नहीं होगा। इसके बाद तेजस्वी प्रकाश का भाई को क्यूटनेस अंदाज बिल्कुल सेम टू सेम रहा। सिम्बा, जब लड़ाई हो रही थी विधि और साना की, सिम्बा का ये था, आग लगे चाहे बस्ती में, हम तो अपनी मस्ती में। सिम्बा बैठ के अपना खाना खा रहे थे, वहाँ पे विधि और अफसाना लड़े जा रहे थे, पूरा घर उनको अलग करवाने में लगा हुआ था, लेकिन सिम्बा आराम से एक साइड में सोफे में बैठ के खाना खा रहा था, बैठ के बढ़िया फिल्म के मजे ले रहा था। हाँ भाई, लड़ो लड़ो लड़ो, सिम्बा का पूरा ये रूप था। और इसके अलावा करण कुंद्रा का पॉइंट अच्छा लगा, करण कुंद्रा ने प्रतीक को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया, हंसते खेलते समझाया, एक बड़े भाई के तरीके समझाया, ये अच्छा लगा करण कुंद्रा का पॉइंट। विशाल ने भी क्या कहते हैं, प्रतीक को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया, विधि को भी समझाया, अफसाना को भी समझाया और महिषा को भी समझाया, चारों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, ये बात भी काफ़ी अच्छी लगी। प्रतीक को समझाया, वो सिपर वाली बोतल का एग्जांपल देगा कि सिपर वहाँ पर रखा था, वो नहीं जी कैसे हो सकता है, मैं वहाँ पर पीता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, ये वो फलाना बना करके एक मतलब पूरा एक एग्जाम्पल लेकर उसको समझाया, प्रतीक समझ गया, फिर वहाँ से चला गया। सेम उसने अफसाना के साथ किया, अफसाना के ऊपर वो चिल्लाया, अफसाना को शांत करवाया, बात दबाई, फिर अफसाना को समझा कि छोड़ रहा, बात बाद में कर लियो, पहले टास्क कर, इस तरीके से भी बात कंप्लीट हुई। फिर इसके बाद विधि को भी समझाया कि विधि देख इस बात इतनी बड़ी नहीं है, इस बात को इग्नोर कर, इग्नोर कर तो कोई नहीं, बात हो रही हो रही, कोई नहीं, छोड़ दे, अपना जो टास्क है उस पर ध्यान दे। महिषा को भी सेम इसी तरीके से समझाया कि आप मत रहो, तू स्ट्रांग है, तू अच्छी लड़की है, तू ऐसे मत रहो, छोटी छोटी बातों पर क्यों रो रही है, ये सब बातें चली। इस पर भी विशाल कोटियान का अच्छा लगा। तेजस्वी प्रकाश का भी आज थोड़ा बहुत निकल कर आया, जब विधि और उसकी अफसाने की लड़ाई, तो उसमें भी तेजस्वी प्रकाश का थोड़ा बहुत निकल कर आया, वो भी बोले कि मार के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा, जो अच्छी बात थी, जो बात मुझे लगी कि हाँ यार अच्छी है, तेजस्वी को इसी तरीके से होना चाहिए, तेजस्वी ने बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके का अपना वो दिखाया भी कि हाँ भाई मैं ऐसी ही हूँ। और वो धीरे धीरे जैसे खुलेंगी ना, वो अपना क्यूटनी जो क्यूट और बबली नेचर है उसको हटा के साइड में, जो उनका एक्चुअल नेचर है, जो फियर्स वाला नेचर है, जो लड़ने वाला नेचर है, वो निकल कर आएगा। इसके अलावा प्रतीक की भाई मूर्खता आज पूरे एपिसोड में दिखाई दी, फालतू की बातों पर लड़ाई झगड़े करना, किसी की बात को समझना नहीं, जो डिसअपॉइंटमेंट था, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था वो, बहुत ज़्यादा। इसके अलावा कोई दिखा नहीं, निशांत भी नहीं दिखा, शमिता भी नहीं दिखी, कोई भी दिखाई नहीं दिया, बस यही पाँच छः लोग थे, यही पाँच छः लोग नज़र आए, इसके अलावा कोई नज़र नहीं आया। लेकिन अगर मैं आज के एपिसोड का रेटिंग दूँ, एपिसोड की रेटिंग में देना चाहूँगा 5 बजे, तो मतलब 3, 3.5, 4 ठीक था, अच्छा था, ठीक था ये एपिसोड का रिव्यू है। बाकी अब आप बताइए कि आपको इसमें से कौन सी बात गलत लग रही है मेरी, कौन सी बात आपको लगता है कि मैंने गलत बोली है, ऐसा नहीं था, ऐसा था, या फिर कोई बात मेरे से स्किप हो गई हो तो वो कमेंट में करके बताना, मैं उसके बारे में कल जो वीडियो आएगी मैं उसमें अपलोड करूँगा, उसके बारे में ढंग से बताऊँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, और रिव्यू पाने के लिए, वीडियो से जुड़े रहने के लिए, बिग बॉस के हर अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ बने रहे और हमें सपोर्ट करते रहे।